महिला वोटरों के बाद अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार युवाओं के लिए लोक लुभावन स्कीम लाई है। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना की तर्ज पर अब लाडला भाई योजना लाने का ऐलान किया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार की नजर लड़का लड़की में फर्क नहीं करती, ये योजना बेरोजगारी का समाधान लाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस स्कीम में क्या है और कौन इसका लाभ ले सकते हैं। दरअसल इस योजना के तहत महाराष्ट्र का निवासी प्रमाण पत्र रखने वाले 12वीं पास युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 6,000 रुपये, डिप्लोमा और ITI करने वाले युवाओं को 8,000 रुपये और स्नातक युवाओं को 10,000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना का लाभ 18 से 35 साल के बीच युवाओं को मिलेगा। योजना पर सरकार 5,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना के तहत हमारी सरकार हमारे राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे देने जा रही है जहां वो काम करेंगे। इतिहास में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। इस योजना के तहत हमारे युवा कारखानों में ट्रेनिंग हासिल करेंगे और सरकार उन्हें वजीफा देगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का भी बयान आया है। निरुपम ने एक्स पर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, ये बेरोजगारी पर करारा हमला है। महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपये और डिप्लोमा पास या ग्रेजुएट युवाओं को 8,000 रुपये हर महीने भत्ता देगी। बहनों के बाद भाइयों की मदद के लिए सरकार ने प्रशंसनीय कदम उठाया है। ये घोषणा नहीं है, ये योजना है। वही उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने कहा, चुनाव से पहले सरकार को सब याद आएंगे। सीएम शिंदे सरकारी खजाने से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, विधानसभा सत्र के दौरान शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। इसके बाद अजीत पवार अपने दूसरे बजट में लाडली बहन स्कीम लेकर आए। अब लाडला भाई योजना की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि ये लाडली बहना और लाडला भाई चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी सरकार इस सहायता से युवाओं को अपने पक्ष में ला सकती है। अक्टूबर और नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में महायुति को हार का सामना करना पड़ा था।